नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना योग गुरु उमेश जोशी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे महर्षि दधीचि की। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जोड़ दबाएं। और साथ ही साथ साथियों, अगर आप आगे हमारे इस भारतीय परंपरा के ऋषि मुनि संतों की किसी की भी आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो उनके बारे में आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, और हमारा प्रयास आपको अपने उन परमात्मा तक पहुंचाने वाले गुरुतुल्य जो प्राचीन समय के वैज्ञानिक रहे हैं उन महर्षियों के बारे में, या हमारे पूर्वज, अगर आप किसी की भी कहानी या उनका परिचय जानना चाहते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके सम्मुख प्रेषित करें। साथियों, सर्वप्रथम मैं चर्चा करूंगा भारतवर्ष की, इस भारत भूमि की। ये भारत भूमि ही नहीं है अपितु इसे विश्व गुरु कहा जाता है। भारत प्राचीन समय से विश्व गुरु था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि भारत में संस्कृति है, भारत में संस्कृत है, भारत में संत हैं, भारत में विश्वास है, भारत में मर्यादा है, भारत में परंपरा है, भारत में परिवार है, भारत में आतिथ्य है। भारत की जो संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम, वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। साथ ही साथ लोका समस्ता सुखिनम होतु, उसमें जीव जंतु प्राणी वृक्ष लताएं, इन सभी का सम्मान करने की अवस्था का नाम भारतवर्ष है। तो आप सभी को वंदन करते हुए आज हम जो भारत भूमि है उसने हमें महर्षि वेद व्यास दिए, जिन्होंने संपूर्ण पुराणों की रचना करी, वेदों की रचना करी, श्रीमद् भागवत कथा का एक ज्ञान दिया, साथ ही साथ गीता सुगीता कर्तव्य गीता का जैसा ज्ञान, महाभारत जैसे महाभाग काव्य के द्वारा हमारे सम्मुख जन कल्याण के लिए प्रेषित किया। इसी तरह कई प्रकार के संत, चाहे वो विश्वामित्र हों महर्षि, चाहे दुर्वासा ऋषि हों, इसी तरह से कई प्रकार के संतों का परिचय, चाहे शंकराचार्य जी हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, हमारा देश ऋषि मुनि और रिसर्च से, चाहे वो जिन्होंने राम मरा मरा से राम की रचना कर दी, महर्षि वाल्मीकि हों जिन्होंने राम नाम को केंद्रित करते हुए रामचरित मानस लिख दिया, तुलसीदास हों जिन्होंने उष्ट उष्ट करते माँ की उस शरण को प्राप्त किया जिससे वो महान कवि कालिदास बन गए, जिन्होंने भगवान के स्वरूप को नेत्रों से नेत होने के बाद भी प्रेषित किया वो सूरदास। इस तरह के संतों का चरित्र सुनने और जानने के लिए आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित करते हैं। चलिए, आज का जो विषय है, महान संत हुए हैं, महान दानी हुए हैं, परम तपस्वी हुए हैं और समदृष्टा हुए हैं, ऐसे ही संत की आज हम चर्चा कर रहे हैं, महर्षि दधीचि। चलिए सर्वप्रथम इनके परिचय की चर्चा करते हैं। महर्षि दधीचि का जन्म भारतवर्ष में हुआ, आप सभी जानते हैं भारत की इस पावन भूमि में हुआ। इनके पिता का नाम अथर्वा जी था और माँ का नाम चित्ती अर्थात शांति, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गभस्थनी, और इनके एक पुत्र भी हैं जिनका नाम पिपलाद रखा गया। जो महर्षि दधीचि हैं ये ख्याति प्राप्त वेद वेदांत के ज्ञाता, परोपकारी तथा बहुत ही दयालु ऋषि रहे थे। अहंकार की
इनके जीवन में कोई जगह नहीं थी। दूसरों के हित के लिए सदैव तत्पर रहने वाले और पशु पक्षी भी उनके व्यवहार के द्वारा निरंतर संतुष्ट रहते थे। जब वो साधना में रहते थे तो सभी पशु पक्षी जितने भी होते थे उनके समीप बैठ जाया करते, अर्थात वह उनके मन को जीतने वाले मनोहर के रूप में सभी के साथ एकबद्ध होकर के अपनी साधना में रत रहते थे। और इनकी चर्चा हम करेंगे इनके महान त्याग से, जिन्होंने असुरों के संहार के लिए अपनी अस्थियों को क्या किया, देवताओं को दान कर दिया, अर्थात तीनों लोगों की रक्षाओं के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया। एक बार महर्षि दधीचि अपनी साधना में लोकहित के लिए तपस्या कर रहे थे, जिससे कि तीनों लोग अलौकिक हो उठे, लेकिन इंद्र के चेहरे का तेज जाता रहा और उसे लगा कहीं महर्षि दधीचि इंद्रासन को काबिज करने के लिए तो इस साधना को नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो मेरा राज्य तो नहीं छीनना चाहते हैं। इंद्र ने इस बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि दधीचि की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव वो एक जो अप्सरा थी उनको उनके पास भेजा, लेकिन वह इस प्रयास में विफल रहा। तब इंद्र उनकी हत्या के इरादे से सेना सहित वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया तो उनके अस्त्र शस्त्र का महर्षि की तप की जो तप रूपी अवस्था थी उनको इस तरह का कवच, अभेद कवच को वो भेद नहीं सका, क्योंकि उनके ऑरा मंडल, उनकी स्थितियां, उनकी साधना इतनी तटस्थ थी कि किसी भी प्रकार का अस्त्र उनको भेद नहीं सका और हार कर इंद्र लौट आया। इस घटना के बहुत समय बाद वृत्रासुर नाम का एक राक्षस है जो पूरे के पूरे देवलोक पर कब्जा कर लेते हैं और पराजित हुए इंद्र और देवता लोग इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। उसके तदुपरांत अब इस वृत्रासुर नामक राक्षस का नाश कैसे किया जाए, उसके नाश हेतु वह अपने परम ब्रह्म परम पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी ने बताया कि इस पृथ्वी में महर्षि दधीचि नाम के संत निरंतर साधना में रत हैं, जो अत्यंत दयालु हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनो, लोका समस्ता सुखिनो की कामना जिनके अंदर है, आप उनके पास जाइए और उनसे निवेदन करिए कि आप हमें अपनी अस्थियां दान करें। तो इंद्र घबरा गया, पेशोपेश की स्थिति आ गई कि मैंने तो इनके ऊपर वार किया, इनको मारने का प्रयास किया, तो वो हमारी सहायता क्या करेंगे। लेकिन कोई उपाय न होने पर वह महर्षि के दधीचि के पास गए पहुंचे और झिझकते हुए बोले, महात्मन, तीनों लोकों के मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए। महर्षि बड़े ही विनम्रता से बोले, देवेंद्र, लोक हित के लिए मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूं। इंद्र आश्चर्य से, इंद्र को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित रह गया कि जिनके ऊपर मैंने इस तरह के अत्याचार किए, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मैंने मेनका, अप्सरा इत्यादि और कामदेव को मैंने उनके ऊपर भेजा, फिर भी वो हमारे इस वचन को स्वीकार कर रहे हैं। वह नतमस्तक हुआ
और महर्षि ने से उनने पूछा कि आप अपने प्राण हमें दान कर दीजिए जिससे कि हम वज्र का निर्माण कर सकें। उसी समय महर्षि दधीची के मन में विचार आया कि यह मेरा यह शरीर तो नाशवान है, क्यों ना यह एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसको जन कल्याण के लिए प्रेषित कर दिया जाए। तो उसी समय उन्होंने योग माया के माध्यम से अपने प्राणों को क्या किया, योग माया के माध्यम से अपने प्राणों का निष्कासन कर दिया और उनकी अस्थियों के द्वारा वज्र बनाया गया और उस वज्र के द्वारा इंद्र ने असुरों को समाप्त किया और देवता अपने उस इंद्रलोक में वापस आए, उनको अपना स्थान प्राप्त हुआ। तो महर्षि दधीची की पत्नी को जैसे ही ये पता चला कि मेरे पति ने अपना सर्वस्व लोक हित के लिए समर्पित कर दिया है, तो वह सती होने के लिए निकली, क्योंकि प्राचीन समय में सती प्रथा, सतीत्व का बड़ा ध्यान, बड़ी परंपरा थी। तो जैसे ही वह अपने आप को सती करने लगी तो उनके गर्भ में वो गर्भ से थी और एक संतति उनके अंदर जन्म लेने के लिए आतुर थी। तो देवताओं ने आग्रह किया कि हे माँ, आप अपने शिशु की रक्षा के लिए इस शिशु को हमें प्रदान करें। तो देवताओं ने माँ से उस शिशु को लिया और पीपल को उस शिशु को दान कर दिया, पीपल को। तो आगे चलकर वह बालक पिपलाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो साथियों, हमने सुनी, हम इस कहानी से हमें या इस परिचय से, इस प्रमाण से हमें पता चलता है कि हमारा देश संतों का देश है, त्याग का देश है। लोक कल्याण हेतु जिन्होंने अपने प्राण दान कर दिए, दानियों का देश है। तो मैं महर्षि दधीची को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सभी देखने वाले साथियों से निवेदन करता हूँ, आप अपने विचारों द्वारा संप्रेषित करें कि किस तरह आपने हमारे इस भारत के महान संत की जीवनी को सुना। कमेंट के माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आप सभी आत्माओं को मेरा वंदन प्रणाम। धन्यवाद।